ये है ब्रज 84 कोस यात्रा को, तंबून को शहर, जंगल में मंगल एक रात में बसाए हुए हो, ये 5,000 आदमीन को, ऐसो तंबून को पूरो नगर पूरो पड़ाव स्थल बनाए गए हैं, जहाँ में 31 दिन तक 5,000 वैष्णव दिल्ली बम्बई गुजरात महाराष्ट्र और न जाने देश के कौन कौन से हिस्सा से आके इन तंबून में रह रहे हैं, इनमें ही सो रहे हैं, इनमें ही खा रहे हैं। उनकी सुबह से लेकर शाम तक की पूरी दिनचर्या, स्नान टॉयलेट सब इन तंबून में है, और इन तंबून में ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं खुले जंगल में कि जाको अपनों एक अलग अनुभव है। ब्रज 84 कोस की ये यात्रा पूरे 31 दिनांक तक इन तंबून में अपनों जीवन बिताएगी, इन तंबून में बड़े सुखते बड़े आनंदते रहेगी। आज हम ऐसे यात्रा पड़ाव स्थल के ब्रज 84 कोस यात्रा पड़ाव स्थल के दर्शन करावे के काजे आपको यहाँ पे लाए हैं। ये पालन के बीच में थे और हम निकल के पहुँच रहे हैं। ये यहाँ का जीवन है, ये एक तरह की कॉलोनी है, यहाँ देश देश के पता नहीं कहाँ कहाँ के गुजरात बम्बई महाराष्ट्र और विदेशन तक के वैष्णव जो हैं वो इन छोटे छोटे पालन में, एक एक पाल में 6-6 वैष्णव और सब पालन पे नंबर डरा हुआ है। ये जो पाल है आप, हाँ, हाँ, मेरा है। ये इनको पाल है, आपको आपको शुभ नाम का है? रक्षा बेन। चलो अंदर हम आपको ये पाल देखें कैसा पाल है। ये देखो एक पाल में 6 वैष्णव जो हैं वो यहाँ रहे हैं और इधर 3 इधर और 3 इधर। ये पूरा जो है पाल को अपनो एक अलग जीवन है, जहाँ में ये वैष्णव अपने 31 दिन तक पूरा समय इन पालन में बितावे और बड़े आनंद से ब्रज यात्रा जो है वो करें। कछु आप अपने अनुभव बताओ ब्रज यात्रा के बारे में। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा भी बहुत मिलता है, अच्छा जैसे भी बहुत ख्याल रखते हैं सबका। अच्छा आप कहाँ से हैं? मैं बॉम्बे से आई। बॉम्बे से आप कहाँ से? अलवर से। अलवर से? मैं राजकोट से। वाह वाह वाह, ये और आप कहाँ से हैं? आप राजकोट से? राजकोट। और आप कहाँ से हैं? धांगध्रा से। धांगध्रा। तो ये आप कोई बम्बई कोई गुजरात कोई महाराष्ट्र कोई कहीं की सब एक परिवार के तरह मिलके रहते हैं। लेकिन क्या है कि हम चाहे हम अलग अलग जगह से हैं, लेकिन है तो हम वैष्णव ने, हमारा उनका ही नाता है। वाह, वही एक नाता ही है हमारा। तो 31 दिन तक आप इन पालों में रहेंगे और इसी में आपका टॉयलेट वगैरह भी इसी में है, स्नान का भी इसी में है और टॉयलेट संडास पास में ही संडास है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है ब्रजयात्री इनको पाल को जीवन, जो अपनी सुख सुविधान को छोड़ के और बड़े बड़े फ्लैट और जिनमें पूर्ण सुख सुविधा और एसी में जो रह रहे हैं बेवा एसी के सुख और फ्लैट को छोड़ के यहाँ ब्रजयात्रा में 31 दिन तक महाराष्ट्र जो पोरबंदर थे हमारे बीच में पधारे हैं अक्षय कुमार जी गोस्वामी जी, उनके सानिध्य में ब्रजयात्री ये ब्रजयात्रा कर रहे हैं और ये इनको पाल हैं। मैं सब आप सब ब्रजवासी को आप सब वैष्णवन को जय श्री कृष्णा करूं। और ये देखो एक पाल में कितने लोग एक पाल में? 6 लोग। एक पाल में 6 लोग, 6 लोगों के 6 अलग अलग बेड हैं। देखो ये आप देखेंगे तो ये 6-3 बेड इधर हैं और एक हमने ये बेड है और ये ठाकुर जी के काजे एक बेड जो है वो इनने हम 5 में दे रख रखो है। 5 बेडन पे ये 5 वैष्णव रहे और छठ रहते हैं 5 में। 5 बेडन पे 5 वैष्णव और छठे में ठाकुर जी विराज रहे हैं। इन सब अपने ठाकुर जी पधरा के यहाँ पर आए हैं। आपको कैसा अनुभव रह रहा है ब्रज में? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तो कितने दिन निकल गए अपने ब्रज यात्रा? 15 दिन निकल गए। तो निश्चित रूप से आपके जीवन का ये एक बहुत सुंदर अनुभव है। आप कछु बताओ ब्रज यात्रा के बारे में कैसा आनंद? बताइए, हम पहली बार आए हैं भैया। तो कितने बजे आप निकलो यहाँ से
ब्रज यात्रा के काजे 5:30 6:00 6:30 6:00 निकल जाओ निकल जाओ। कछु चाय पानी नाश्ता पानी करके निकलो। चाय नाश्ता यहाँ से दे मैं जो जाकू खाना हो वो खा लेवे और फिर पैदल पैदल सब जगह पहुँचो के निकल जावे। हाँ पैदल पैदल कोई चल के करे कोई और कोई पे अगर नहीं चलो जाए तो वो रिक्शा वगैरह में भी चल सके। रिक्शा ले लेते हैं रिक्शा भी मिलती है। और फिर वहाँ के बाद सब स्थलन के दर्शन करके कितने बजे तक आ जाओ यहाँ पे? हम 11:12 आ जाओ। 12 बजे और 11:12 के बाद फिर ठाकुर जी की अपनी सेवा करके और फिर सेवा से पहुँच के प्रसाद लेके फिर थोड़ा विश्राम करो। फिर शाम को फिर निकलो। अच्छा रास हो गए यहाँ पे और गुसाई बालकन के वचनामृत। अच्छा सबका ख्याल बहुत बहुत सुंदर बहुत सुंदर। भोजन पानी बहुत सुंदर व्यवस्था करी है। ये सामूहिक भोजनशाला है जहाँ बड़े व्यवस्थित रूप से वैष्णव जन एक संग भोजन कर रहे हैं। कैसो आनंद बरस रहे हो यहाँ पे कि सभी वैष्णव अपने अपने पालन में थे, बड़े व्यवस्थित रूप से प्लेट लेके आए हैं और वैष्णव जन ही सेवा कर रहे हैं और बड़े आनंद थे ठाकुर जी को प्रसाद जो है वो सब ग्रहण कर रहे हैं और बड़े खुशनुमा वातावरण में ये भोजन चलो। ऐसो भोजन प्रतिदिन चले, सुबह चले नाश्ता को, दोपहर में लंच और ये देखो ये ठाकुर जी के दर्शन जो है वो खुल गए हैं तो हम ठाकुर जी के दर्शन करने के काजे भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। यात्रा में ठाकुर जी बड़े सुखेन विराज रहे हैं, कीर्तन सेवा है रही है और सभी वैष्णव बहुत आनंद थे ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। इधर देखो तो जो बल्लभ कुल जो है वो विराजो भयो है और ब्रज यात्रा में पधारे भये सभी वैष्णव जन एक एक करके बल्लभ कुल के चंड स्पर्श कर रहे हैं, उनके वचनामृतन को भी आनंद यहाँ पे प्रतिदिन मिले। और आज जबकि ये ब्रज यात्रा काममन में आई है तो काममन के शुद्धाद्वैत पंचम पीठाधीश्वर जगतगुरु गोस्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज श्री अपने सपरिवार यहाँ पे विराजे भये हैं और ब्रजयात्री को ये देखो पंचम पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री वल्लभाचार्य जी और उनके अनुज गोस्वामी श्री रघुनाथ जी महाराज दोनों विराजे भये हैं। ये द्वारकेश लाल जी महाराज श्री के ज्येष्ठ आत्मज गोस्वामी श्री अनिरुद्ध लाल जी विराजे भये हैं अपने लाल जी के संग और ये यात्राध्यक्ष यात्रा नायक गोस्वामी श्री अक्षय कुमार जी महाराज श्री यहाँ पे विराजे भये हैं। समस्त वैष्णव जन एक एक करके क्रमबद्ध देखो कितनों व्यवस्थित ये क्रम चल रहे हो है कि सभी वैष्णव एक एक पंक्तिबद्ध होके और अपनी बारी को इंतजार करते भये आ रहे हैं और चंड स्पर्श कर रहे हैं। आज हम यहाँ ब्रज यात्रा में आए हैं और कृपानाथ यहाँ विराजे भये हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि जय जय यहाँ विराजे भये हैं तो मैं उनते उनके चरणारविंद में मैं निवेदन करूँगा कि कछु थोड़ो सो या ब्रज यात्रा के बारे में विगत हमको कामन वासीन को ब्रजवासीन को बतावे की कृपा करें। नहीं श्री आचार्य चरण के अनुग्रह सु और बड़ेन के आशीष सु आज ब्रज यात्रा कामन मुकाम पे तीसरो दिन है और जहाँ उद्देश्य को लेके हम ब्रज यात्रा में आए कि हरि गुरु वैष्णव सबकी प्रसन्नता प्राप्त कर सके तो ठाकुर जी की कृपा से वो मनोरथ पूर्ण हो रहे हो और बस आगे भी चंद बाबा की कृपा श्री मदन मोहन जी की कृपा सु निर्विघ्न यात्रा में अलौकिक आनंद लेते भय सब ये ब्रज यात्रा को परिपूर्ण करे और वाकी जो मधुर संस्मरण है वाको साथ में जीवन भर वाको स्वाद लेते रहे ऐसी श्री आचार्य चरण के चरणों में विनती है। वाह वाह। और कामन में कहाँ हमारे 3 दिन आज हो गए वो क्योंकि कामन तो आदि वृंदावन को स्थान है। बिल्कुल बिल्कुल। और सारस्वती कल्पीय जो वृंदावन को विस्तार सो गिरिराज जी सु कामन तक को तो अनेक विध लीला स्थली है कामन में तो पूरो दिन कैसे वह लीला के आनंद में पसार हो जाए तो समय को कोई खबर ही नहीं पड़ी कि आज तीसरो दिन आ गया। वाह 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 वाह। बहुत आपने कृपा करी कि इतने वैष्णवन को आप ब्रज यात्रा करा रहे हैं। सूरदास जी ने लिखो एक रीत पर प्रीत बस की ने मोहन याही ते ब्रज रीत न्यारी और आज आप यहाँ
नेपाल में यहाँ वैष्णव जो है कितने आनंद से रह रहे हैं। हमने अभी आप देखो ये सबको मैनेज करना भी जय जय बड़ो मुश्किल है, लेकिन आपने बहुत व्यवस्थित तरीका थे, बहुत निष्ठावान और पूरी टीम आज ये यात्रा के लिए पिछले 1.5 साल से लगे हुए हैं कि एक ही उद्देश्य कि जो भी यात्री आए हैं उनको कोई कष्ट ना हो, श्रम ना हो, तो उसी प्रकार की व्यवस्था करने के लिए हमारी पूरी राजकोट की टीम, हमारे प्रमुख सुखा भाई कोरड़िया, रवजी भाई, विजय भाई, हमारे राजकोट स्वयंसेवक मंडल के जो टीम है, तो वो बहुत ही सुचारू ढंग से, काफ़ी परिश्रम से, निष्ठापूर्वक सभी वैष्णवों का सुख बना रहे, इसी एक उद्देश्य को लेके चल रहे हैं, और उनकी भी सेवा आगे ऐसी निरंतर चलती रहे, ऐसी पुष्टि प्रभु उन पे कृपा बरसावे, यही विनती है। ये मंगल जय हो, श्री वल्लभ की जय। जय हो। ब्रज यात्रा के या तंबून के नगर में याई में अस्पताल है, याई में बैंक है, याई में कार्यालय है, और पूरो जैसे नगर की जो व्यवस्था हो वो पूरी व्यवस्था यहाँ में करी गई है। ये कार्यालय में हम आ गए हैं, जहाँ कार्यालय की व्यवस्था के काजे जो महानुभाव हैं वे बैठे भए हैं, कोई क्यों अपने संबंध में कोई बात कहनी होए तो यहाँ कार्यालय में आवे, पैसा जमा कराना हो, पैसा निकालना हो, बैंक भी चले यहाँ पे। आज यहाँ यात्रा को, ब्रज यात्रा को जो पड़ाव है वो कामवन में है, और श्री अक्षय कुमार जी गोस्वामी राजकोट से जो पधारे हैं पोरबंदर मथुरा, वे या यात्रा को लेकर चल रहे हैं, और हमारे जो कार्यालय के जो महानुभाव यहाँ विराजे भए हैं, मैं उनसे थोड़ी सी यात्रा के बारे में और कार्यालय और बैंक के बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहूँ, तो आप जरा यहाँ के बारे में बताओ, मैं आपको जय श्री कृष्ण करूँ। जय श्री कृष्ण। हम यहाँ कोई सपोज भेंट मनोरथ लिखवाने आते हैं, हाँ। तो उनकी भेंट लिखते हैं, हाँ। और ये बैंक का तो क्या है, एक हमने सिस्टम व्यवस्था, हाँ। ये कोई बैंक नहीं है, सिर्फ हमने नाम दिया है ब्रज बैंक, हाँ। इसमें क्या है, वैष्णव को अपने पास ज्यादा पैसा रखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हम यहाँ ले लेते हैं, और जैसे उनको जरूरत पड़ती है वैसे वैसे देते हैं। वाह, बरोबर। ये एक उनका पैसा, हम पैसे सुरक्षित रहता है उनका पैसा, एक जात की व्यवस्था रखी है। और ये ब्रज यात्रा कितने दिन की है? ये टोटल 31 दिन, 31 दिन की यात्रा है, और पूरे ब्रज चौरासी को, उसके जितने भी तीर्थ स्थल है उन सब पर ये पहुँचेगी। और यहाँ कितने यात्री लगभग इसमें? हमारे 2000 यात्री है, हमारी यात्रा 2000 यात्री, बाकी ये जो चोपा जी का पाल होता है ना, गौर का पाल, उसमें भी 1500 के आसपास है। तो 2000 गुसाई जी की लैंड डोरी में, और 1500-1500 जो है वो चौबे जी के, राउंड अबाउट 1500, लगभग 3500 फिगर हमारे पास नहीं रहता। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हल्दी और विभिन्न औषधीन से बनाया हो काढ़ो यहाँ पे बांटो जा रहे हैं। ये क्या है? उकाड़ा है, हल्दी, हल्दी और सब मसाला डरते स्वास्थ्य के लिए, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता, हाँ। है। दूर से देखवे पे ये ब्रज यात्रा को, पूरो तंबून को शहर, कैसो सुंदर दृश्य यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और ये ब्रज 84 कोस यात्रा को पड़ाव, जो आज कामन के अखड़वाड़ी नामक जो यात्रा को पड़ाव स्थल है वहाँ पे है, वहाँ को हमने पूरे इनके जीवनचर्या के आपको दर्शन कराए, जगमगाती लाइटन के बीच ये ब्रज यात्रा को, एक पूरो नगर। जय श्री कृष्णा।